ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च प्रज्ञायुता। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापकों, अध्यापक अध्यापिका बहनों और हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सभी सदस्य, आज ध्यान का विषय है ध्यान के लिए पवित्र स्थल का चुनाव। ध्यान के लिए पवित्र स्थल का चुनाव, गीता क्या कहती है और हमारा योग सूत्र क्या कहता है। ध्यान शब्द से हम सभी परिचित हैं। ध्यान क्या है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए ध्यान क्या है। ध्यान एकाग्रता है मन की, ध्यान स्थिरता है, ध्यान शांति है, मन की शांति है, स्थिरता है। अगर इसको हम नया डायमेंशन दे दें ध्यान क्या है, तो हम मैं कहना चाहता हूँ नई परिभाषा, ध्यान अर्जन है, अचीव समथिंग, अर्जन है। ध्यान विसर्जन है, कुछ चीज़ विसर्जित कर देना, कुछ बुरी चिंतन को विसर्जित कर देना। ध्यान सृजन है, नया निर्माण। तो क्या हुए, ध्यान के तीन परिभाषाएं दी मैंने, ध्यान अर्जन है, ध्यान विसर्जन है और ध्यान सृजन है। ये तीन सूत्र बताते हैं ध्यान क्या है। इसके बाद अगर हम जानना चाहें ध्यान क्या है, तो उत्तर है ध्यान मन का स्नान है। मन का स्नान, गिविंग ए बाथ टू योर पर्सनैलिटी ऑफ नोबल एंड आइडियल थॉट्स इज मेडिटेशन। अपने आप को अच्छे विचारों का स्नान कराना, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को अच्छे विचारों में धो देना। ध्यान मन का विश्राम है, ध्यान मन का विश्राम है अगली परिभाषा। और तीसरी परिभाषा है ध्यान मन का आसन है। मन का आसन है एक ऐसा आसन है जिसमें कि आदमी को बहुत शांति मिलती है। हम कहते हैं ना, हम जरा थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, या हम पीछे पीठ पे तकिया लगा के ऐसे बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है। ध्यान मन का आसन है। ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं होता, कोई विषय नहीं होता। सामान्यतया हमारा चिंतन विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहता है, जैसे कोई दर्पण पे धूल डली हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है, विचार चल रहे हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी, विचारों की कंटिन्यूटी हमारे मन में। कामनाएँ चल रही हैं, पुरानी स्मृतियाँ आ रही हैं, नींद में भी हमारा मन चलता रहता है। ये अध्यान की स्थिति है। ध्यान के आगे अ लगा दो तो अध्यान की स्थिति है। ठीक इसके विपरीत की अवस्था क्या है, ध्यान, इसे उल्टा ध्यान। ध्यान वह अवस्था है जिसमें कोई विचार नहीं चलते, कोई कामनाएं नहीं उठाती सिर, और ध्यान की अवस्था में मन का सारा ओहापो, सारा हल्ला गुल्ला सब शांत हो जाता है। यह परिपूर्ण मौन जो है वो ध्यान है, परिपूर्ण मौन ध्यान है। इसी परिपूर्ण मौन में हमें सत्य का साक्षात्कार होता है। ध्यान इस बात का बोध कराता है कि मैं मन नहीं हूं। जैसे जैसे हमारा बोध गहरा होता जाता है, हमें झलक मिलना शुरू होती है मौन की, शांति की, क्योंकि मन गायब हो गया ना बीच में से। मन नहीं हूं, अकेला मन नहीं हूं। जब सब थम जाता है, मन में कुछ भी नहीं चलता, तो उन मौन के क्षणों में हमें स्वयं की सत्ता की अनुभूति होती है। इस अस्तित्व के रहस्य का स्पर्श होता है। धीरे धीरे बड़े सौभाग्य का एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान हमारा सहज अवस्था में लगने लगता है। हम बैठते हैं और ध्यान लग जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आदमी को 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ा ध्यान में। न वहाँ कोई मीटिंग होती थी, न कोई चर्चा होती थी, न कोई लेक्चर देता था वो, न कोई म्यूजिक गाता था। क्या 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 करता था, बस अब एक टिपिकल पोजीशन में पड़ा हुआ माँ के गर्भ में रहता था। एक सुनता था कुछ ध्वनि, माँ के हृदय की ध्वनि,
माँ के हृदय की ध्वनि सुनता रहता था। वही लब डप लब डप लब डप वही आती रहती थी ध्वनि, वो उसके हार्ट में भी बीट वही करती थी, उसी को सुनते सुनते उसका मन लग जाता था। ये हमारी ध्यान हमारी सहज अवस्था है, लेकिन हमने उसे खो दिया है, हमने उसे खो दिया है। कब? जन्म लेने के बाद। यदि किसी बच्चे की आंखों को ध्यान से देखें, बच्चे की, नया बच्चा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बच्चा निकल के पैदा होके आया है और तुम्हारे पास आ करके, मैं जब बातें करता हूँ बच्चों से बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बच्चे मेरे पास आते हैं 2 महीने 3 महीने के नामकरण के लिए, तो मैं उनसे बात करता हूँ, क्यों मैं अच्छा लग रहा है, तो वो बाकायदा हाँ हिला, मेरा सिर हिल रहा है तो उसका भी सिर हिलेगा, ठीक नहीं ना, पर ठीक वो भी सिर से ही करेगा। तो वहाँ आपको अद्भुत मौन दिखेगा, अद्भुत निर्दोषता दिखेगी, क्योंकि हर बच्चा ध्यान के साथ पैदा हुआ है, ध्यान से पैदा हुआ है, ध्यान के लिए पैदा हुआ है। अब उसे ध्यान पैदा कर, ध्यान के बाद समाज के रंग ढंग सीखने होंगे, उसे विचार करना सीखना होगा, उसे तर्क करना सीखना होगा, हिसाब किताब, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये सब करना होगा, तो ये सब सीखना होगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी निर्दोषता कम होती जाएगी और चालाकी बढ़ती जाएगी, वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अलग होता जाएगा, उसके मन की कोरी स्लेट समाज के लिखावट से गंदी हो जाएगी। कोरी स्लेट है मन, वो गंदा हो जाता है। इस तरह समाज के ढांचे में कुशल यंत्र तो हो जाएगा, लेकिन जीवंत सहज मनुष्य नहीं होगा। उस निर्दोष सहजता को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। हम ध्यान के साथ पैदा होते हैं, ध्यान में पैदा होते हैं, फिर हम मन के रंग ढंग सीख लेते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? अंतरधारा की तरह भीतर गहरे में बना रहना। किसी भी दिन थोड़ी सी खुदाई होने पर हम पाएंगे कि वह धारा, वह अंतःप्रवाह अभी भी बह रहा है। जीवन स्रोत के झरने का ताज़ा जल अभी भी ला रहे हैं, उसे पालना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, और ये ध्यान के द्वारा संभव है। ये ध्यान के द्वारा ही संभव है कि हम अपने जीवन स्रोत का ताज़ा जल निरंतर लाते रह सकते हैं ध्यान के माध्यम। ध्यान और कुछ नहीं, मन की आँखें खोलने की प्रक्रिया है। मन की आँखें खोलें, एक बहुत पुरानी पिक्चर है, मैं उसका गाना सुना रहा हूँ तुमको अभी। मैंने बहुत पुराना 1935 का गाना है, इतना बढ़िया गाना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको, इसका रेफरेंस सुना, तो मैंने कहा तो बच्चों को सुनाऊंगा मैं, थोड़ी देर थोड़ा सा एक अंतर ही सुनाऊंगा। मन की आँखें खोल, जो हमारे मन में चेतना के दर्पण पर जो धूल जमी है उसको झाड़ने की प्रक्रिया है ध्यान। मनुष्य हजारों जन्मों से यात्रा कर रहा है, न जाने कितने जन्मों की यात्रा करके, न जाने कितने जन्मों की धूल चढ़ाते हुए हम आए हैं। हम सभी यात्री हैं, तुम मैं यहाँ बैठे सब लोग, जितने भी तुम्हारे बॉसेस, तुम्हारे टीचर्स, सब यात्री हैं। वी आर ऑल पैसेंजर्स इन द जर्नी। हम इस यात्रा में अपने सही रूप में, ये कहा जाए कि हम इस यात्रा में कई तरह की धूल इकट्ठी करते रहते हैं, केवल धूल ही धूल, परत दर परत धूल, दर्पण का पता भी नहीं चलता, लेकिन दर्पण अब भी वहाँ है। लेकिन वास्तव में दर्पण हम ही हैं, हम खुद दर्पण हैं, इसलिए हम उसे खो नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका विस्मरण हो सकता है, उसकी स्मृति को पाने के लिए हमें बस एक गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए, वो वही ध्यान है। अंतर्दृष्टि का विकास ही ध्यान है। अंतर्दृष्टि के हम हैं कौन, हमारा अंतरंग जगत जो है हमारा क्या है, हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ मिला हो, सबसे बड़ी चीज़ मिली है कि हमें सोचने की कला मिली है ध्यान के माध्यम से। ध्यान जब हम करते हैं तो वास्तव में हमें अंतरंग जगत में जाने की बहुत बढ़िया एक कुंजी मिलती है। अगर हम समझने की कोशिश करें, ध्यान कहाँ से आरंभ होता है? ध्यान एकाग्रता से आरंभ होता है। ख़त्म कहाँ होता है? तन्मयता पे, एकाग्रता से तन्मयता की ओर। मानसिक रूप से हमारा मन विचलित रहता है, बिखरा रहता है, सहजता से सरलता से एकाग्र नहीं होता, परंतु शनि शनि धीरे 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 यदि हम कोशिश करें हमारा मन एकाग्र होता जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में 6वें अध्याय में, शनि शनि उपरमेत बुद्धिया, धीरे धीरे अपने आप को उपरामता की ओर ले जाओ, धृतिग्रहितया धैर्य धारण करके, शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृतिग्रहितया, धारण शक्ति जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए,
और आत्मसंस्थम मन कृत्वा अपने आप को अपने अंदर के बैठे हुए भगवान के साथ जोड़ो, न किंचितपि चिंतयेत, और कुछ मत सोचो, मन की आंखें खोल रे बाबा। हम सब की मन की आंखें बंद हैं। ये एक बहुत पुरानी पिक्चर है, उसका गाना है 1935 की, न मैं था न तुम था, तुम थे न ये कोई यहाँ पर जो बैठे हैं वो सब थे। हम सब जो है भगवान की कृपा से इसको सुन पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसमें रिकॉर्डिंग करके रखी थी इसकी। यदि हम छोटे बच्चों को देखें तो आसानी से एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन देर तक एकाग्र नहीं रह पाते। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो एकाग्र तुरंत हो जाता है, पर स्थिर नहीं हो जाता। क्यों? बचपन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इस अवस्था में बच्चे स्थिर नहीं रहते। किसी बच्चे से कहो थोड़ी देर यहाँ बैठे रहना, तो आधे घंटे एक घंटे बैठे रहना तो वो बैठा नहीं रह सकता। थोड़ी देर बैठेगा फिर चल देगा, भागेगा, हट जाएगा। स्कूल में बच्चा बहुत रेस्टलेस फील करता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद 6 महीने माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसका बच्चा बीमार होता रहता है, कभी उसे पेट दर्द होता है, कभी उसे लूज मोशंस होते हैं, कभी उसे कोई और समस्या होती है, कुछ न कुछ समस्याएँ उसके साथ रहती हैं। लेकिन 99% बच्चों के साथ क्या होता है, यही होता है कि वे 6 महीने माँ को बहुत कष्ट देते हैं। रात में जब माँ के सोने का समय है तब वो जगता रहता है, और दिन में जब माँ के जगने का समय है, माँ के सोने का समय है, उस समय फिर जग जाता है, वो हल्ला मचाता है, कभी रात में सोता है कभी दिन में सोता है। क्यों ऐसा होता है? माँ के गर्भ के वातावरण से संसार के वातावरण में आया है, गर्भ के वातावरण से संसार के वातावरण, इसलिए ऐसा होता है। एक नया वातावरण, एक नई दुनिया जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी, बाहर की दुनिया की हवा भी नहीं थी उसको, तो इसलिए बड़े धीरे धीरे हम उसको संसार के वातावरण में एक्लिमेटाइज करते हैं, बड़े धीरे धीरे सहजते हैं उसको। डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि भाई इसको बाहर का दूध मत देना, अभी बच्चे को जन्म लेने के बाद यहाँ का पानी भी मत पिलाना। यहाँ तक कि 6 महीने तक वो कहते हैं कि माँ का दूध दो, बस और कुछ नहीं, यही पानी है, यही दूध है, यही टॉनिक है, यही उसका भोजन है 6 महीने तक, बस संपूर्ण आहार है ये, पूरा के पूरा, पूरे विश्व में ये सिद्धांत है। हमारे यहाँ न जाने क्यों ये आ गया है कि वो सेरेलैक देना चाहिए और ये देना चाहिए वो देना चाहिए, परंतु वास्तव में अगर हो सके तो माँ अगर दूध पिला सके तो दूध देना चाहिए उसको। 6 महीने बाद डॉक्टर कहते हैं उसे दलिया खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, पतला खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। इस तरह से जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मन का नवजन्म होता है। ये मैंने इस पर एक क्लास ली थी, जो पुराने बच्चे यहाँ बैठे हैं टीचर बन गए हैं, बी बॉर्न अगेन, याद है तुमको बी बॉर्न अगेन? मैंने बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। स्कूल जाते हैं बच्चे तो अभी घर की चार दीवारियों में हैं, कुछ उछल कूद करना, खेलना, कुछ चीज़ें सीखना, वहाँ वो नई चीज़ें सीखते हैं, प्ले ग्रुप बनता है, प्ले ग्रुप में बच्चा सीखता है थोड़ा बहुत, उसे घर की याद आती है, माँ की याद आती है, पर वो 6-7 बच्चे जो उसको घेरे रहते हैं ना, वही उसको बहुत कुछ आनंद दे देते हैं। जब स्कूल गया, उसका मन तैयार हुआ, एकाग्रता ध्यान के लिए भी ऐसी ही चीज़ है। ध्यान में हम स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं। उस प्रशिक्षण की तैयारी का पहला चरण है एकाग्रता, अपने आप को एकाग्र बनाने की कोशिश करना। एकाग्रता मतलब इधर उधर से विचारों को बांटना, काटना,
बटा हुआ बिखरा हुआ मन हमने देखा, काम में हम थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाते हैं लेकिन सामान्य क्रम में हम एकाग्र नहीं हो पाते। हठयोग में एकाग्र होने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगा लो, खिचड़ी मुद्रा करो, उदाहरण के लिए दीपक की लो पे त्राटक करो, ये इस तरह के हठयोग में हैं। पर या गीत की संगीत की धुन सुनो, ये जो एकाग्रता का केंद्र क्या है, धारणा बन जाती है, धारणा। और धारणा पे जो ध्यान केंद्रित करता है उसका मन लग जाता है। धारणा ध्यान की आधार भूमि है, वो जगह है जहाँ पर ध्यान प्रतिष्ठित होता है। धारणा ध्यान की आधार भूमि है, यहाँ ध्यान प्रतिष्ठित होता है। ध्यान का आसन धारणा है, ध्यान धारणा पर आसन प्रतिष्ठित होता है। पतंजलि कहते हैं देश बंध चित्त से धारणा। विभूति योग में बोलते हैं एक जगह चित्त का बंध जाना, एक देश में एक स्थान में टिक जाना धारणा है। एक जगह टिक जाना धारणा है। जिस दिन आपको धारणा आ जाएगी, धारणा का अभ्यास हो जाएगा, उस दिन आपका ध्यान लगने लगेगा। क्योंकि मन बनता नहीं, धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे मन थोड़ी देर फिर थोड़ी देर फिर थोड़ी देर स्थिर होना सीखता है। हर्ष और शोक दोनों तरह की घटनाएं हमें परेशान करती हैं। अगर हमें कोई बड़ी खुशी मिल जाए तो भी हम अशांत हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, किस किस को बताऊं मैं, किस किस को बताऊं। आपकी लॉटरी खुल जाए, आप बताइए, नहीं बताएंगे तब तक आप रेस्टलेस रहेंगे। एक रेस्टलेसनेस आ जाती है, दुखी हुए तो भी अशांत, खुशी हुए तो भी अशांत। लेकिन एकाग्रता के बाद जब स्थिरता आती है और हम धारणा पर स्थिर हो जाते हैं तो शांत होना शुरू करते हैं। इस धारणा के बाद जो स्थिरता आई उसमें हम शांत होना शुरू करते हैं। कहा गया है कि ध्यान अर्जन है, ध्यान में जो कुछ पाते हैं ग्रहण करते हैं। ध्यान से भला क्या अर्जित होता है? ध्यान से सबसे बड़ा जो अर्जित होता है, जिन विषयों पर हमने ध्यान को टिकाया, जिन चीज़ें जो चीज़ें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति उन्हें हम स्वतः स्वतः देने लगती है। प्रकृति हमें स्वतः देने लगती है, बुद्धि देती है, सद्बुद्धि देती है, भावनाएं देती हैं, श्रेष्ठ चिंतन देती है। अपने गांव में जिसे हम नदी के पानी से छोटी सी नहर ले आए अपने घर में, पानी आने लगेगा। इसी तरह से प्रकृति हमें अपने आप अपनी तरफ से कुछ देने लगती है। क्या हम पैदा होने के साथ डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे? नहीं थे ना। हमने इन चीज़ों पर अपने मन को टिकाया, शुरू किया, हम डॉक्टर बनेंगे, तो हम डॉक्टर बन गए। फिर हम वो हो गए जो हमें मिलने लगा। ध्यान में सूक्ष्म प्रकृति हमको देती है, ध्यान में सूक्ष्म प्रकृति हमें देती है। ध्यानी वो सब प्राप्त करता है और वो प्राप्त करना चाहता है, जैसे सारी चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं, ध्यान का करने वाले का मन स्वयं प्रतिभाशाली हो जाता है। ध्यान करने वाले का, निरंतर ध्यान करने वाले का मन बड़ा प्रतिभाशाली हो जाता है, स्मरण शक्ति प्रखर हो जाती है, हमेशा याद रहता बना रहता है। इसलिए संसार प्राप्त करना हो या आध्यात्मिकता प्राप्त करनी हो, संसार प्राप्त करना है, बहुत सारे उद्योग डेवलप करना है, तो भी आपको ध्यान सीखना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान पर डेवलप करना है अपने आप को, तो भी आपको ध्यान का विकास करना चाहिए। सांसारिक सुखों की उपलब्धि और आध्यात्मिक विभूतियों की उपलब्धि प्रतिभा से ही होती है, और ये अर्जन इसको कहते हैं, प्रतिभा का अर्जन, प्रतिभा का अर्जन, अचीवमेंट, टू अर्न इट, टू अर्न इट। ध्यान विसर्जन भी है, कहाँ किस समय, जब हम अपने मन को उड़ेलते हैं उस धारणा में, जो धारणा हम प्राप्त करते हैं, जैसे हमने चंद्रमा की धारणा की, हमने तारों की धारणा की, सूर्य की धारणा की, हमने चंद्रमा की धारणा की, हमने समुद्र की धारणा की, भगवान नारायण की धारणा की, माता गायत्री की धारणा की, जिस जिस धारणा में हमने अपने मन को उड़ेला वो हमारे अंदर बैठ जाता है। ध्यान का सविता में, जैसे एक गीत है हमारा, सविता में समर्पण, समर्पण में विसर्जन, विलय, हम समर्पित करते हैं, स्वयं को विसर्जित करते हैं। ध्यान सृजन है, ध्यान विसर्जन है। ध्यान सृजन है इसलिए है ध्यान, क्योंकि जब हम अपने अंदर ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर नए नए गवाक्ष खुलते हैं, नए नए विंडोज़ ओपन होती हैं, नए नए वेंटिलेटर्स ओपन होते हैं। ध्यान सृजन है, वास्तविक सृजन, जो ध्यानी है उसके पास बहुत कुछ नया आने लगता है, नए विचार आते हैं, नए चिंतन। चाहे रामानुज को आप ये कह दो कि ध्यानी थे कि नहीं थे, चाहे आप ये कह लो आइजनहावर को कि वो हमारे आइंस्टीन को कि वो ध्यानी थे कि नहीं थे, पर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे नए विचार कल्टीवेट किए। कल्टीवेटिंग न्यू थॉट्स इज मेडिटेशन, कल्टीवेटिंग न्यू थॉट्स इन योर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली। आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि हाँ अगर ऐसा लिखा जाए तो
तो ये नए थॉट्स हैं, आपके नए थॉट्स धीरे धीरे आ जाएंगे। ध्यान एकाग्रता है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अनुभव करते हैं ध्यान स्थिरता है, फिर उसके बाद हम अनुभव करते हैं ध्यान शांति है। मतलब देखिए स्टेप्स हैं ये, एकाग्रता, स्थिरता, शांति और लास्ट में तन्मयता, तल्लीनता। ये चार स्टेप्स हैं, एकाग्रता, स्थिरता, शांति और तन्मयता। हमारी ध्यान साधना के अनुरूप ध्यान की परिभाषाएं विकसित होती हैं और हम उसके आगे बढ़ते हैं, तब हमको पता लगता है कि हमारा ध्यान जो है वो अर्जन है। पर अर्जन करते करते भी ध्यानी थकता नहीं है, ध्यानी का मन नहीं थकता। ध्यान मन का स्नान है, ध्यान मन का स्नान है। जैसे हम धूल मिट्टी से भर जाते हैं, खेलते हैं जब मैदान में, तो दिन भर हम काम करते हैं, रात में सोते हैं, आलस घेर लेता है, लेकिन जब सुबह स्नान कर लेते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं, ताजगी आ जाती है। ध्यान इसी तरह से मन का स्नान है। ध्यान से मन को स्नान करा दोगे तो मन में नए नए थॉट्स, नए नए विचार आने लगेंगे, हमें थकान उतर जाती है रात भर की, सपनों की थकान, दिन रात भर में जब सोचते रहे, अनावश्यक चिंतन करते रहे, उनकी थकान ये सब निकल जाएगी। ध्यान मन का आसन है। मन का आसन कैसे, पतंजलि आसन को कैसे परिभाषित करते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, है ना, स्थिर भी और सुखता सुखपूर्वक भी बैठना, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना आसन है, यानी स्थिरता भी हो और सुख भी हो। हम समझें कि आसन है और हम स्थिर हो रहे हैं। अभ्यास जब हम करते हैं तो देखते हैं हम कि बार बार हम पैर बदलते हैं, बार बार हम आसन नहीं हो पाता हमसे, पर जब स्थिर हो जाए, स्थिरता आ जाती है तो और सुख आने लगता है, तो वो आसन है। ध्यान की ये परिभाषाएं हैं, हमारे ध्यान की अनुभूतियाँ हैं। तो भगवान कहते हैं गीता में, ध्यान का पहला सूत्र है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, ये छठे अध्याय में जो आत्मसंयम योग है उसमें लिखा है भगवान ने। भाई देखो अच्छी तरह अच्छी जगह बैठो, भूमि का चयन करो तो ढंग से करो, ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन, अगर आप हो सको बैठ सको, स्थिर हो और सुख भी हो, ऐसी जगह बैठो, और कैसा हो, पवित्र देश हो, पवित्र देश। अभी हमने देखा कि एक कुत्ता आया था और हमारे पास ही खड़ा होकर के कुछ गड़बड़ कर गया, तो वहाँ क्यों बैठे आप? आप पवित्र स्थान का चयन करो, पवित्र स्थान का चयन करो, और पवित्र स्थान का चयन करने के लिए आप उसके लिए स्वयं को स्थिरतापूर्वक बिठाइए। पवित्र देश की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे गायें जहाँ बनती हैं उसको गोष्ठ कहते हैं, गायें जहाँ बनती हैं उसको गोष्ठ कहते हैं, गोष्ठ जहाँ जहाँ गायें रखी जाती हैं वहाँ बड़ा पवित्र होता है। उस स्थान की सफाई कर ली जाए, उस स्थान को लीप पोत कर बैठने लायक बना दिया जाए, बड़ा पवित्र स्थान होता है। कई लोग गौशाला में ध्यान करते हैं, कई लोगों ने, महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने गौशाला में ध्यान किया। दो प्राणी हैं गाय और कुत्ता, पशुओं में दो विड़े विशेष हैं, गाय कुत्ता दोनों के अंदर अत्यधिक क्षमता होती है, दोनों के अंदर अत्यधिक क्षमता, और मनुष्य से भी ज़्यादा होती है, जो हमको अनुभव आता है उससे कहीं ज़्यादा। गाय और कुत्ते में क्या अंतर है? गाय में सात्विकता बहुत होती है और कुत्ते में चंचलता और राजसिकता ज़्यादा होती है। कुत्ता जो है रजोगुणी होता है और गाय जो है सतोगुणी होती है, ये दोनों में अंतर है। तो ये दोनों अपने मालिक के प्रति बड़े गहरे प्रेम से जुड़े रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी और जानवर को पालिए, किसी और पशु को पालिए, अब किसी ने सुअर को पाला हो तो बताओ भैया किसी ने पाला हो? मेरे ख्याल से नहीं पाला किसी ने, पर विदेश में पालते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है कि हमारा इनसे प्रेम है, हमारा इनसे प्रेम है। पर जो प्रेम करता है वो केवल ये करते हैं, दो करते हैं। अच्छा आप गाय की जगह भैंस को पालो, तो मान लो गाय की जगह भैंस को पालो, तो भैंस का बच्चा कितना प्यारा होता है, काला कलूटा। भैंस गंदे पानी में पड़ी रहती है, उसी में नहाती रहती है, उसी को पीती रहती है, और जब घूम के आती है तो एक तो बहुत उसकी चाल जो है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल गाय और भैंस में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। भैंस की तुलना में दूध गाय का क्यों पसंद करते हैं लोग भाई? क्योंकि गाय के साथ जो अपनापन विकसित हो जाता है हमारा, उसका अपनापन भैंस के प्रति नहीं विकसित हो पाता। भैंस का मन थोड़ा तमस भरा होता है, तमस, तामसिकता,
वहाँ तो राजसिकता थी कुत्ते में, तो यहाँ तो तामसिकता है। जो गाय जहाँ रहती है वहाँ सात्विकता की लहरें, सात्विकता की आभा बनी रहती है। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई दूर किसी कोने में, हल्की हल्की खुशबू की लहरें आ रही हैं, सात्विकता की तरंगें। गाय के पास सात्विकता की तरंगें आती हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास जब महाराज दिलीप गए, महाराज हमारे पुत्र नहीं है, हमें आप पुत्र दीजिए, हमारे को संतान नहीं है। राजा दिलीप जो है भगवान राम के वंश के थे, और अब राज्य का वारिस कौन होगा। उन्होंने कुछ मंत्र दिए, कुछ साधना बताई, साथ ही एक चीज़ बताई, राजन गाय की सेवा करो, मैं तुमको दो गाय दे रहा हूँ, तुम इनको जब चॉइस हो जाए तब लेके आना। फिर चॉइस से होकर लेके आए तो उसका 1000 हो जाए तब लेके आना। 1000 होते होते वो न जाने कितना प्रकृति का ज्ञान हो गया उनको। और राजन दिलीप जो थे, उनको न केवल उसके बाद संतान मिली बल्कि उनका वंश भी चला। गौसेवा से जो पुण्यवर्धन होता है उससे मनोकामना पूरी होती है। और कई बार गाय संकट अपने ऊपर ले लेती है अपने मालिक का। गाय मर जाती है पर घर में बड़ी विपदा आने के पहले उस गाय में, घर में गाय मर जाएगी, ये बड़ी सूक्ष्म बात है लेकिन सत्य बात है। गाय में ऐसी बात होती है, यही बात स्थिति कुत्ते में भी होती है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बड़े गहरा वफादार होता है, बड़े भाव से जुड़ा होता है। गाय कुत्ता दोनों मालिक के प्रति बड़े भाव से जुड़ते हैं। पर गाय कुत्ता कहाँ से पालेंगे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़। पर घर में अगर हो सके तो घर के माध्यम से एक गाय कहीं पालनी चाहिए। कहीं दूर कहीं गौशाला बनी हो तो उस गौशाला का देख रेख का खर्चा अपना अपने हाथ में लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ऐसा संरक्षक हो, मार्गदर्शक हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, जो संकट को अपने ऊपर झेल जाए, तो वो गाय है। शुचिता सात्विकता गाय में होती है, इसलिए गोष्ठ को गाय के गोष्ठ को, गोष्ठ यानी गाय का रहने का स्थान, गोष्ठ यानी गाय का रहने का स्थान को बड़ा पवित्र माना जाता है। मेरे पिताजी मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद सिविल जज से फिर वो बनते बनते हाईकोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज बने, और डिस्ट्रिक्ट जज बनते बनते हाईकोर्ट जज भी बने, पर तो फिर नहीं गए हाईकोर्ट हाईकोर्ट में। उन्होंने जहाँ जहाँ रहे वहाँ अपने पास तीन चार गाय रखी। और मित्रों, मैं उन गायों की नहलाता भी था, धुलाता भी था, नौकरों के साथ जाता था। उसके बाद मैंने गाय का दूध निकालना सीख लिया। मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल की उम्र में मैंने गाय का दूध निकालना सीख लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं डायरेक्ट गाय का दूध पी भी लेता था जो उसे, कोई दिक्कत नहीं, गंदा नहीं है, अपने को बुरा लगता है, परंतु वो जो दूध है वो धारोष्ण कहलाता है। धारोष्ण, धारा जो होती है वो उष्णता होती है, उसको पी सकते हैं। भगवान कृष्ण करते थे, धारोष्ण दूध पीते थे डायरेक्ट। कोई कुछ फोटो भी देखे होंगे तुमने जिसमें भगवान गाय से दूध पी डायरेक्ट पी रहे हैं। कई लोग गौशाला में बैठ के अपना जप अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, ऐसी पवित्र होती है गौशाला। दूसरा पवित्र स्थान कहाँ होता है, शिवालय, भगवान शिव। देखो तुम्हारे पास तो गौशाला भी है, तुम्हारे पास शिवालय भी है, इन दोनों जगह जाके तुम एक एक माला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ मिलेगा, बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन शिवालय जो अतिशय पवित्र माना जाता है, क्योंकि शिव मंदिर में क्या है, एक रूप में वो तो रुद्र है और एक रूप में वो भगवान शिव है, कल्याण के प्रतीक, दोनों रूप जुड़े हुए हैं। अगर वो विनाशक हैं तो रुद्र हैं, कल्याणकारी हैं तो शिव हैं। युग निर्माण के सूत्रों में हमने दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन लिखा है, तो इसीलिए लिखा है। मैं शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मंत्र महामली विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान कहते हैं कि भाग्य की जो बुरी लिपि होती है, कभी भाग्य में ऐसा लिखा होता है, हमारा दुर्भाग्य होता है, दुष्कर्म होते हैं, अभोग पाप होते हैं, जटिल प्रारब्ध होता है, उसका भगवान शिव की कृपा से शमन हो जाता है। भगवान शिव आशुतोष, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष यानी जो जल्दी प्रसन्न हो जाता हो, जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव। और शिवालय में ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी सघनता होती है कि बड़े से बड़े संकट मिटते हैं। इसलिए अगर हमें प्रार्थना करने का मौका मिले तो हम गायत्री माता से प्रार्थना करें, पर शिवालय में जाके प्रार्थना करें, नई जीवन चेतना विकसित करने के लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन का दुर्भाग्य दूर हो, हमारा जो एक अभी जो योग आ रहा है असामयिक मृत्यु का वो टले, हमारे घर में किसी को आने वाला है वो भी टले, हमारे जीवन में आने वाले महासंकट घोर संकट समाप्त हो, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का विधान किया गया।
त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुखी मामृता। ये दोनों मंत्र कुंजी हैं हमारी भारतीय संस्कृति की। जिसको ये दोनों मंत्र का जप करना आता है अच्छी तरह से तो वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दुख नहीं होगा उसको। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का आविष्कार किया, भगवान शिव ने उनको मृत संजीवनी विद्या दी। मृत संजीवनी ये अलग है मृत संजीवनी विद्या, जो गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का सम्मिलन है, संयोग है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो मृत संजीवनी बन जाती है। तुम लोगों को एक कहानी याद होगी कच्छ और देवयानी की। कच्छ जानते हो ना, कच्छ जो है वो देवयानी से प्यार करता था, देवयानी कच्छ से प्यार करती थी, और कच्छ शिष्य बना किनका, शुक्राचार्य का। और शुक्राचार्य का शिष्य बना तो उसने जो है असुरों के देवता थे शुक्राचार्य, उन्होंने कोशिश की कि इसको कच्छ को मार दिया जाए, क्योंकि ये तो देवताओं के यहाँ से आया है और देवताओं के यहाँ से आया है और सीखने आया है ये। तब तक वो मंत्र विद्या सीख चुका था, मृत संजीवनी विद्या सीख चुका था। तो उन्होंने क्या किया कि उस कच्छ को मार दिया असुरों ने, और मारने के बाद उन्होंने उसको ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, उसको शुक्राचार्य के भोजन में मिला दिया, शुक्राचार्य के भोजन में अंदर चला गया पेट में। अब वो उसके बाद जब पता चला शुक्राचार्य को कि वो तो मेरे अंदर इसमें है, और मेरे अंदर अगर चला गया है तो ये मैं अगर पुनर्जन्म दे सकता हूँ किसी को तो वो इसी के माध्यम से दे सकता हूँ, कच्छ के माध्यम से। तो उन्होंने कच्छ को आह्वान किया, तू बाहर आ। कच्छ बाहर आ गया पेट फाड़ के, और उसने अपने गुरु को स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया, और उसके बाद उसने ये जाके इस मंत्र विद्या को उनको दिया, देवताओं को दिया। ये मंत्र है, मैं सुनाता हूँ तुमको। ये मंत्र सबको नहीं करना चाहिए, मैं केवल सुना रहा हूँ तुमको। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमेव वंदनान ओम धियो यो न प्रचोदयात् ओम मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वः ओम भू ओम भुवः ओम सह ओम जह ओम जूम ओम होम ओम। ठीक है, ये मंत्र उल्टा 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 करते करते दोनों का सम्मिश्रण सम्मिश्रण तुम देखना चाहो तो मिल जाएगा तुमको कहीं भी, परंतु मैं ये कहूँगा कि इसके चक्कर में मत पड़ना। वो इसलिए कि इसका एक उपयोग एक उचित पात्र व्यक्ति ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र दोनों शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य अच्छे स्थान पर बैठकर कर जप करो। नदियों का तट, गंगा नदी का तट जैसे हमारे यहाँ है, हमको कितनी बड़ी सुविधा मिली हुई है, गंगा हमारे यहाँ पास में ही है, बड़ी पवित्रता है वहाँ पर, स्थिरता भी है, नदी का जल भी सामने बहता रहता है। अनेक प्रकार के साधकों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने अपनी तप साधनाएं वहाँ पूर्ण की हैं। साधक चला जाता है लेकिन शास्त्र कहते हैं उसकी साधना का एक अंश धरती सोख लेती है। हम प्राचीन काल में ब्राह्मणों से जप कराते थे, ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते थे, और ये कहा जाता था कुंडली में ग्रह खराब हैं तो पंडित जी से महामृत्युंजय मंत्र करा लो। महामृत्युंजय मंत्र का लाभ पूरा नहीं मिलता, पर महामृत्युंजय मंत्र के जाप से, 1.25 लाख का जाप करने से उसका चौथा हिस्सा ब्राह्मण को मिलता है, और बाकी 1/2/5 हिस्सा उस धरती को मिलता है जिस धरती में वो रहता है, जिस धरती में जप करता है। तो हिस्से के भागीदार बन जाते हैं, 7वां हिस्सा भूमि को मिलता है, यानी उस पुण्य के 7वें हिस्से को भूमि सोख लेती है। इस तरह भूमि कर्म सोखती है, इसीलिए जब हम घर बनाते हैं तो कहते हैं तुम्हें आपकी भूमि कैसी है। मैं अक्सर जो लोग आते हैं बनाते हैं, हम बताते हैं हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, क्या आपकी भूमि की मिट्टी भेजो। हम मिट्टी को देखते हैं, श्रापित तो नहीं है, भूमि सुप्त तो नहीं है, जागृत है कि नहीं, किसी तरह की है। जब से इस घर में आए तब से हमारे यहाँ कलह 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 कलह, कई बार लोग कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं जब से इस घर में आए तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ। इस तरह भूमि का बड़ा महत्व है। भूमि से शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, भूमि को समझना, भूमि के महत्व को संस्कारित करना। जहाँ पर निरंतर जप होता रहता है, जहाँ पर निरंतर यज्ञ होता रहता है, वहाँ की भूमि बहुत पावन होती है। उदाहरण के लिए शांति कुंज, उदाहरण के लिए गायत्री कुंज, उदाहरण के लिए हमारी यज्ञशाला, उसके आसपास की भूमि। जब वंदनीय माता जी यहाँ आई थी 1971 में, तो उनके साथ कुछ देवकन्या आई थी, 8-9 देवकन्याएँ।
उन देवकन्याओं ने दिन रात अखंड दीपक की रक्षा की और उन्होंने वहाँ जप किया और उसके बाद उनके साथ साथ और भी आती चली गई, 24-25 आ गई फिर, और उसके बाद करीब करीब 24-24 लक्ष के 24 अनुष्ठान जो गुरुदेव ने किए थे, वो 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान उन लोगों ने संपन्न कर लिए आने वाले 8-9 वर्षों में। ये जो भूमि है, यहाँ का अखंड दीपक वाला जो स्थान है, बड़ा पवित्र है। अभी मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ रहती हैं, मैं सुबह 2:30-3 बजे करीब उठता हूँ और उठने के बाद फिर स्नान उस्नान करके फिर मैं अखंड दीपक के दर्शन करने जाता हूँ। तो देखता हूँ वहाँ रोज़ अलग अलग लड़कियाँ होती हैं, बड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब नहा के आती हैं पूरा, और अखंड दीपक की रक्षा करती हैं पूरी, और वहाँ पर वो आरती उतारती हैं उसकी, अखंड दीपक की, वहाँ बैठ के जप भी करती हैं थोड़ी सी, 2-3 कर पाती हैं, ज़्यादा नहीं, स्थान नहीं है, पर वो स्थान बड़ा पवित्र है, वो स्थान बड़ा पवित्र है, वहाँ का ध्यान, वहाँ का चिंतन बड़ा गजब का है। महर्षि अरविंद के बारे में कहा जाता है कि वो अलीपुर जेल में रहे और बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत वहाँ पर पूरा समय साधना करते थे, तपश्चर्या करते थे। श्री अरविंद जब उस स्थान से चले गए तो वहाँ और कैदियों को रखा गया, तो उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। देखो, एक श्रेष्ठ चिंतन वाला व्यक्ति जहाँ रहता था तो वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे, और जब बुरे चिंतन वाला व्यक्ति आया तो उसको बेचैनी होने लगी। उसने कहा कि साहब, हमको तो उल्टी आती है और हमको तो बड़ा सिरदर्द होता है, हमको तो बड़ा ख़राब लगता है, आप इस स्थान से हमें हटा दो। फिर बाद में उन्होंने प्रकृति को देखा, इंद्रियों को देखा कि इस वजह से इनकी चिंतन में प्रभावित हो रहा है, तो बीमार हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने बदला और उन्होंने कहा इन कैदियों को छोड़ो और आज़ादी के लिए कोई ऐसे अच्छे आए हों, भले मानस, उनको रखो। तो भले आदमी वहाँ आए, उनको रखा गया, तो जो बुरे आदमी थे उनका मन वहाँ पर बेचैन होता था, अच्छे आदमी का मन शांत रहता था, अच्छे आदमी को मन लगता था, क्योंकि वहाँ अरविंद वाइब्रेशन छोड़ गए थे, श्री अरविंद वाइब्रेशन छोड़ गए थे, बड़ी गंभीर साधना की थी उन्होंने, तपश्चर्या की थी। आनंद स्वामी का बेटा जो मिलाप का संपादक था, मिलाप नाम का एक समाचार पत्र निकलता था, वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं जिस जेल में जब मिलने आया उनसे, जेल में थे वो, मैं मेरे को जो खाना देने आता है वार्डन, वो जो खाना देने आता है, उसके खाना लेने के बाद मेरे को उल्टियाँ होने लगती हैं। उन्होंने कहा पता लगा वो लड़का, वो वार्डन क्या करता है, क्या किस अपराध में है, पता चला अपनी पत्नी का, अपनी माँ का मर्डर करके आया था। तो बोले तुम बदल लो बेटा, तुम बदल लो जेल का, वो बदल लो अपना। जैसे बदला वैसे सब चेंज हो गया पूरा पूरा। कितना वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, देखो कितना वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। जहाँ किसी योगी ने तप किया हो, साधनाएं की हो, वो स्थान शुचोदेश। चंपकलाल श्री अरविंद के शिष्य थे, उन्होंने एक जगह अपना अनुभव लिखा है कि महाराष्ट्र में एक स्थान पर गए, एक पेड़ के नीचे बैठे बैठते उनका ध्यान लग गया, बिल्कुल गहरी समाधि में चले गए। करीब करीब 4-5 घंटे बाद जब नींद खुली उनकी ध्यान की स्थिति से, तो उन्होंने से पूछा इसमें क्या खास बात है, बोले साहब यहाँ एक साधु महाराज रहते थे, यहाँ जप करते थे। ऐसे स्थान बड़े विलक्षण होते हैं। इसी तरह से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की बेलें जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज और कुछ क्लॉकवाइज होती हैं, वहाँ का भी स्थान अलग विशिष्ट होता है। हम जैसे हमने चुना है हरिकोटा, श्री हरिकोटा, हमारा जो इसरो का जो काम है वो क्या है, प्रक्षेपण करना, तो प्रक्षेपण करने के लिए हमने उसी को क्यों चुना है, अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान करने के लिए क्या सुना है हमने, सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर हमको उड़ान करनी है तो हमको भी अपने लिए अच्छा स्थान चुनना पड़ेगा। स्प्रिंगलर एक फिलोसफर है, वो अध्यात्म साधना जीवन दर्शन को परिभाषित करते कहता है एकाकी की एकाकी ओर उड़ान, एकाकी की एकाकी की ओर उड़ान, एक लोनली पर्सन की लोनली स्थान पर यात्रा करनी है आपको, शुचोदेशे, ठीक है ना। एक होता है ग्रेविटेशन, एक होता है लेविटेशन। ग्रेविटेशन से तात्पर्य क्या है, ग्रेविटेशन से तात्पर्य भूमि नीचे की ओर खींच रही है, लेविटेशन से तात्पर्य क्या, भूमि ऊपर की ओर उठा रही है। जहाँ पर ग्रेविटेशन कम होता है वहाँ पर लेविटेशन हो जाता है, तो जहाँ पर भूमि का हम चयन करते हैं वहाँ अगर बैठा जाए तो मन नीचे की ओर खींचने के बजाय आसानी से ऊपर की ओर जाता है। ध्यान के लिए हमें पवित्र स्थल का चयन करना पड़ता है, हिंसक पशु पक्षी न हो। आप बैठे हो जब करने और आपके आसपास छिपकली घूम रही है, मन लगेगा, लगेगा, भगाओगे उसको, जितनी देर में बैठोगे उतनी देर तुम भगाओगे उसको। और कीड़े मकोड़े आ रहे हैं,
कॉकरोचेज आ रहे हैं, चींटियों के दिमकों के बिल न हो, जहाँ का वातावरण सुखद सौम्य और सामान्य हो, जहाँ का वायु और जल प्रदूषित न हो, प्रकृति के तत्वों में अग्नि पृथ्वी जल वायु सब में पवित्रता हो, ऐसा हमारा स्थान होना चाहिए। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुमेरु पर्वत पर काकभुशुंडी जी का निवास है। कथाएं कहती हैं कई महापुरुषों को, कई महात्माओं को उनके दर्शन भी हुए हैं। काकभुशुंडी जी की चर्चा रामचरितमानस में रामकथा में गरुड़ जी के साथ हुए प्रश्न संवाद के रूप में होती है। गरुड़ जी को जब माया व्यापी, उनको लगा कि ऐसे कैसे भगवान लक्ष्मण इनको और राम जिनको कि माया ने इनको पकड़ लिया, इनको बेहोश हो गए ये लोग, मेघनाथ ने कैसे बांध लिया, नागपाश में खर्ब निशाचर बांधे हु, ये निशाचर राक्षस ने बांध लिया इनको, मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को बांध लिया, तो गरुड़ जी ने नागपाश से उनकी मुक्ति की। उन्होंने फिर बाद में सोचा अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं मानता मैं इनको, ये अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं है, तो राजा है, छोटे भाई राजा के। तब उनको एक छोटे से राक्षस ने कैसे बांध लिया, तो फिर उनको उनका भ्रम दूर करने के लिए वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनका भ्रम दूर करने के लिए उनको कहा तुमको माया व्याप गई है, उन्होंने कहा तुमको तुम्हारा जैसा पक्षी ही समझा सकता है, तो उन्होंने फिर काकभुशुंडी जी के पास भेजा। काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद उत्तरकांड में बड़ा विलक्षण संवाद है। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोर नचावा, समुझे खग खगही के भाषा। खग जो है वो खगई की भाषा समझता है, इसलिए उनको वहाँ भेज दो। मित्रों, ये जो स्थान है, जो काकभुशुंडी का स्थान है, वट पीपर पाकरी रसाला, एक बिल्व वृक्ष भी है, परगत भी है, पीपल भी है, गूलर भी है, आम भी है, ये पांच वृक्ष काकभुशुंडी लगा रखे थे। ये जो अपन पांच पंचवटी लगाते हैं, पंचवटी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, पंचवटी पे भी ऊर्जा होती खूब। जाप यज्ञ पाकरी तर करई, पीपल तरुतर ध्यान सुधरई, कहते हैं बार बार वो वहीं जाके जप करते थे। ध्यान कहाँ करें, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं वने मने कोने, बने मने कोने, मन में जाके करो या मन में जाके करो या घर के किसी कोने कोने में जाके करो, वहाँ शांति मिलेगी। ध्यान वन में जाकर करना चाहिए, संसार से दूर वन में जाके लगाओ, या मन में ही ध्यान करने का प्रयास करो, या फिर न लगे तो घर के बाहर किसी शांत कोने में जाकर ध्यान करो। पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पास जब साधना आरंभ की तो उन्होंने स्थान का चयन किया। दक्षिणेश्वर के पास ही वो स्थान है, अभी भी वो स्थान बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने पांच पेड़ लगाए, पंचवटी बनाई। दक्षिणेश्वर में वो रहते थे लेकिन अपनी साधना व तपश्चर्या पंचवटी में करते थे। दक्षिणेश्वर में वो रहते थे लेकिन साधना और तपश्चर्या करीब ऐसे 25 कदम दूर पंचवटी में करते थे। उन्होंने वैदिक साधना, तांत्रिक साधना, सब तरह की साधना की, और उसमें तांत्रिक साधना के लिए उन्होंने पंचमुंडी आसन भी बनाया। भैरवी ब्राह्मणी थी, उसमें मरे हुए पांच जानवरों की खोपड़ियाँ तंत्र विधि से दफनाई गईं, इसलिए पंचमुंडी आसन कहलाया। पंचवटी में क्या करते थे, जो उनके युवा शिष्य थे, उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, शिवानंद, रखाल महाराज, काली महाराज या ब्रह्मानंद, इनको वो ध्यान करने के लिए पंचवटी भेजते थे। अरे वो लड़कों ध्यान करो, पंचवटी जाके ध्यान करो, और इससे क्या होता था, इनको ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिली और उसके बाद वो इतना बड़ा काम कर पाए कि इतना बड़ा मिशन खड़ा कर पाए, रामकृष्ण मिशन। एक और आसन की चर्चा है वाराणसी में, पंचमुंडी आसन है, उसके गोपीनाथ कविराज के गुरु ने, उन्होंने नवकुंडी आसन बनाया था। नवकुंडी आसन अभी भी बनारस में है, अद्भुत विद्युत है वहाँ, बड़ी उच्च कोटि के साधक ही सहन कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे उसको लॉक लगा के रखा है, उसको कोई सहन नहीं कर सकता। गोपीनाथ देवराज के बाद अब स्थान पे ताला लग गया है। ये एक मनीषी की लोक यात्रा किताब है, मनीषी की लोक यात्रा, ये किताब जो है गोपीनाथ कविराज जी की लिखी हुई है, बड़ी जोरदार किताब है, पढ़ने लायक है, तुम चाहो पढ़ोगे तुमको आनंद आएगा, अपनी लाइब्रेरी में है ये किताब। ध्यान साधना के लिए आसन का और आसन से वैदिक पवित्र स्थान है, इतना महत्व गहरा महत्व है, पवित्रता का, स्थिरता का, और आसन भी ऐसा जो विद्युत रोधी हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहाँ हो। यदि हम सुखासन, पद्मासन, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो भी लगाते हैं, पर आसन विद्युत रोधी होना चाहिए। ध्यान करने के लिए पवित्र स्थल का चयन हो, ध्यान साधना की पहली आवश्यकता है, पवित्र स्थल मिल जाए तो हम स्थिरतापूर्वक बिठाएं साधक को। ध्यान के लिए हम जहाँ पर बैठे हैं, जमीन उबड़ खाबड़ न हो,
उबड़ खाबड़ ना हो, ऊंची नीची ना हो, प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन ज़मीन। मैं आज से 25 साल पहले मैं गया था अल्मोड़ा, तो वहाँ कसार देवी एक स्थान है अल्मोड़ा में, वहाँ मैंने ध्यान किया था। उस स्थान पे ध्यान किया था जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, तो 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूस ध्यान में रहे। मैं भी 3-4 घंटे के लिए ध्यान की स्थिति में चला गया, सामने हिमालय दिखता, पूरा हिमालय 360 डिग्री का पूरा हिमालय दिखता है, और आनंद आ गया उस दिन। उसके बाद मैं जब जब भी गया हूँ अल्मोड़ा, तो वहाँ बैठ कर मैंने ध्यान किया है। तो दुर्गा सप्तशती में एक बात कही गई है, आसन शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए। आसन शुद्धि के लिए आत्मासनाय नमः, कमलासनाय नमः, सुखासनाय नमः, गंधादि संपूज्य, मतलब हमारी आत्मा का आसन, हमारे कमल पुष्प के आसन, और सुखासन से मतलब है हम सुख से बैठ रहे हैं, हमने कमल पुष्प का आसन बिछाया, हमारे अंदर 7 कमल केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, ये पवित्र हैं, उनकी विद्युत हैं, उनके कमल पुष्प हैं, इन सब को हमने विस्तृत करके अपने पाठ में हम बैठ गए। ध्यान अद्भुत है, ध्यान हम करते तो हैं, लेकिन अभी हमारा जो ध्यान है वो विषयों की ओर है, अपवित्रता की ओर है। हम सोचते तो हैं, लेकिन जो अर्जन होता है वो दुर्बलताओं का होता है। क्या कारण है कि हमारे मन में कभी श्रेष्ठ चिंतन नहीं आ पाता। ये जो उगते हुए सूर्य का ध्यान है सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ध्यान उगते हुए सूर्य का, ध्यान उगते हुए सूर्य का। जब आप ध्यान उगते हुए सूर्य का करेंगे तो आपको शुद्धताओं से आपको ऊंचा उठने का मार्ग मिलेगा। और ध्यान जिसका करेंगे उसका संग मिलेगा न, अगर सोचना है और संग से कामना जागेगी तो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध जागेगा, क्रोध से स्मृति भटक जाएगी, आप क्या थे और क्या करने चले थे। तो हम ध्यान करते हैं पवित्रता का, शुद्धता का, परमात्मा का, शुद्धतम चेतना का, निर्मलतम चेतना का। एक और हमारा ध्यान जाता है संसार की ओर, संसार का ध्यान जो विनाश की ओर ले जाता है। एक ध्यान हमारा जाता है परमेश्वर की ओर, पवित्र चेतना का ध्यान जो हमें सृजन की ओर, नए व्यक्तित्व के सृजन की ओर ले जाता है। एक ध्यान हमें बुद्ध बनाता है। 3 शब्द हैं, 3, एक व्यक्तित्व के 3 चरण, एक बुद्धू, एक बुद्धिमान और एक बुद्ध। बुद्धू, बुद्धिमान, बुद्ध। अगर अभी हम बुद्धिमान हैं तो हम यात्रा कर रहे हैं ऊपर की ओर, बुद्ध बनने की, और अगर हम फालतू का चिंतन कर रहे हैं तो हम बुद्धू बन रहे हैं। फालतू में क्यों आसन, क्यों ध्यान करते हो, क्यों समय नष्ट करते हो। कहत कबीर अंत की बारी, झारी झारी जे चली जुआ चले जुआरी। जुआरी जो है ना, अंत में सब देखता, सब सारे दाव लग गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो चल देता है वहाँ से। भगवान कहते हैं गीता में, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। क्यों? जुए से बड़ा छल कुछ भी नहीं है। अगर आपको ध्यान से बनना है तो बुद्धू से बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान से बुद्ध बनिए, बुद्ध पुरुष बनिए। ध्यान मन की एकाग्रता से आरंभ होता है, लेकिन गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मेरा मन बड़ा चंचल है प्रभु, बलवत बलवान है, इसको स्थिर करना मेरे लिए बहुत दुष्कर कार्य है। तो भगवान इसका उत्तर देते कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएगा, अभ्यास और वैराग्य से स्थिर होगा। अभ्यास का मतलब है हमारे जीवन में प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च, वैराग्य ने रिनन्सिएशन किन से? नेगेटिविटी से। विवेक और वैराग्य दो चीज़ें हैं। विवेक का मतलब है व्हाट टू डू, और वैराग्य का मतलब है व्हाट नॉट टू डू। कितना सिंपल है, बिल्कुल। विवेक का मतलब है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, सोचो, उचित अनुचित का निर्णय। और वैराग्य का मतलब है क्यों न करें, डोंट डू। जो डोंट्स और डूज हैं विवेक वैराग्य, इन ये अगर दिन में आ गए, जीवन में समझ में आ गए, तो फिर हम कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। शुरुआत में ध्यान के लिए सर्वप्रथम पवित्र स्थल का चयन। पवित्र स्थल हमारे मन को एकाग्र करने में सहायक होता है, लेकिन हमारे पवित्रता हमारे तन में, मन, प्राण में, मन में समा जाए पूरी तरह से। ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एकाग्रता और स्थिरता। देखो, अगर आपको दही जमाना है तो क्या करोगे, दूध डाल के उसमें जामुन डाल के
उसको अच्छी तरह हिलाओगे, है ना? नहीं हिलाओगे? लड़कियां जानती हैं, नहीं जान, ऐसे रख देंगे शांत, तो उससे क्या हो जाए, जम जाएगा, दही बन जाए। जब तक जमेगा नहीं तब तक दही नहीं बनेगा। अपने मन में दही जमाओ, अपने मन में विचारों को स्थिर होने दो, एकाग्र होने दो। धीरे धीरे अभ्यास से स्थिर होता है। ध्यान का नियमित अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए मन को पवित्र स्थल में, पवित्र विचारों में, शुभ विचारों में टिकाना जरूरी है। और ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक पवित्र स्थल का चयन जरूरी है। मैंने तुमको गोष्ठ यानी गाय का, गौशाला, शिवालय, गायत्री माता का मंदिर, परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति के सामने का, अखंड दीपक के सामने का स्थान, यज्ञशाला के चारों तरफ का स्थान, बहुत सारे स्थान सजेस्ट किए हैं। तुम्हारा अपना कमरा जिसको तुम अच्छे विचारों से पवित्र बना सकते हो, पवित्र स्थान की जरूरत है। शांति कुंज का ध्यान करेंगे। ये ध्यान अपने स्थान पर बैठकर ही किया जा सकता है, अपने हॉस्टल में, अपने घर में, कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। शांत शांत शांत। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, आंखें बंद, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। गायत्री मंत्र 5 बार हमारे साथ साथ बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, गायत्री कुंज, अखंड दीप, दिव्य वातावरण। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ कल्पना करते जाओ। देवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज। शांति कुंज में प्रातःकाल जागरण हेतु बजने वाली सुरीली धुन, इसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, 2 मिनट के लिए, बांसुरी की धुन।
इसके उपरांत गायत्री मंदिर में वेद माता गायत्री का दर्शन, सप्तऋषियों का दर्शन, परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में दिया जाने वाला उगते हुए स्वर्ण सूर्य का ध्यान, यज्ञशाला में हवन करते हुए स्वयं को देखना, स्वयं को विजुलाइज करना है, थोड़ी देर के लिए युग ऋषि की अमृतवाणी का श्रवण, शांतिकुंज का सबसे ऊर्जावान जीवंत स्थल समाधि स्थल जो कि वहाँ का केंद्र है, चैतन्य जागृत तीर्थ, थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर बैठना मन ही मन, सबसे उनसे प्रार्थना करना गुरु सत्ता से, उन्हें प्रणाम करना, उनकी ऊर्जा वहाँ पर मौजूद है गुरुदेव माता जी के दोनों की। इसके उपरांत फिर शांतिकुंज के दिव्य वातावरण भ्रमण करना, उसकी ऊर्जा को गहरी श्वास लेकर के ग्रहण करते हुए स्वयं को ऊर्जावान बनते हुए वहाँ से चल देना। शांतिकुंज में स्थित देवात्मा हिमालय में प्रवेश, शांत चित्त होकर थोड़ी देर के लिए वहाँ ध्यानमग्न होना, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप हिमालय में, फिर शांतिकुंज की वनौषधि वाटिका में भ्रमण, पैदल ही शांतिकुंज की परिभ्रजा परिक्रमा करके, शांतिकुंज की परिक्रमा करके पुनः अपने विश्वविद्यालय जहाँ भी आप आना चाहते हैं वहाँ आ जाना, लौटाना। इस तरह मन से किया गया दिव्य शांतिकुंज का ध्यान हमें युग तीर्थ स्थल शांतिकुंज में आने के समान ही अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करता है और हमें आध्यात्मिक शांतिकुंज का दर्शन कराता है। आप लोगों को अपने आध्यात्मिक शांतिकुंज का दर्शन करना है तो ये प्रक्रिया सबसे बेस्ट। अभी मैंने 5 बार मैंने बुलवाया, परंतु 5 बार आप भी बोल सकते हैं अपने साथ। रोज़ अगर इस प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा करेंगे, कितनी देर बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे शांतिकुंज जाना है, यहीं बैठे बैठे प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पे जाना है, यहीं बैठे बैठे आपको हिमालय जाना है, जब मौका लगे तब वहाँ हुआ है, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे ध्यान करें। थोड़ी देर मौन रहेंगे। गुरु सत्ता की दिव्य ऊर्जा हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो, हम अंदर से बाहर तक बदलते चले जाएं, हमारे अंदर जो विचारों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है वो रुक जाए और हम हिमालय से, गंगा से, गुरु सत्ता से एकाकार हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे साथ साथ बोलेंगे। पुष्यन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असा वौसो पुरुष सूर्य सो अहम अस्मि। हे भक्तों का पोषण करने वाले मुख्य ज्ञान स्वरूप सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में समा लीजिए। आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप जो है वो आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। वह सूर्य का आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम अमृतो मा मृतम गमय, ओम अमृतो मा मृतम गमय, ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अकड़ी। चेहरे पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए, हृदय पे लगाइए। जो अभी जो आपने ध्यान किया है, बड़ा सशक्त ध्यान है, गुरुदेव का द्वारा दिया हुआ, गुरुदेव की वाणी में है। इसको यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। ये 10वीं भारतीय छात्र संसद में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट। भगवान करे ये बड़ा होने के बाद पार्लियामेंट जब शुद्ध हो जाए तो पार्लियामेंट में, वहाँ बड़ी पार्लियामेंट में भी जाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।